गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी हैड रीड सम पार्ट ऑफ लेसन वन. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड. टूडे वी विल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन. नाउ आई स्टार्ट. वॉट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? एट एन एनसीसी कैंप डैट रवीज क्लास वॉज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड, वॉट अ हैवी डाउन पोर. रवि के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी तेज बारिश हो रही है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला. ये मुझे अपने घर केरला में अपने घर की याद दिलाती है. यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोल्स एंड पोल्स एंड पोल्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन. तुम्हें आकर वहाँ देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागों में लगातार बारिश होती रहती है. हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड. जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, वी गेट नो रेन्स. हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती. वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी. हमें तो दूर दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र पहुँचती है केवल कीकर के कटीले पेड़ और रेत ही दिखाई देती है. बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि. और रवि ने कहा, लेकिन वहाँ तो ऊँट भी मिलते हैं. आई एक्सप्लेन ग्लॉसरी. इकोसिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव और लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. इकोसिस्टम वो सिस्टम है जिसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहते हैं तथा अपने फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स का के साथ मिलकर अट्रैक्शन करते हैं द एनवायरनमेंट विच दे लिव. और ऐसा एनवायरनमेंट जहां वो रहते हैं आर लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. और अपनी एनर्जी और मटेरियल को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करते हैं. हीरा से, नॉट जस्ट कैमल्स. इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स लेजर्ट्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू. हीरा सेज, हीरा ने कहा, नॉट जस्ट कैमल, केवल कैमल ही नहीं. इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट्स, अगर तुम हमारे डेजर्ट्स में आओगे, यू विल सी स्नैक्स, तुम्हें स्नैक्स लेजर्ट्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे. रवि वंडर्ड, व्हाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. रवि ने आश्चर्य से कहा कि इन जगहों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति और लोगों के रहने के तरीके अलग अलग क्यों हैं. आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, जबकि वे एक दूसरे से रिलेटेड हैं. ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड. टीचर ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, उनके बीच में बहुत रिलेशन है. आल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग्स. सभी पेड़ पौधे जीव जंतु और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पर डिपेंड हैं. Often they are also interdependent on each other. और वे एक दूसरे पर interdependent भी हैं. The relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding from an ecosystem. Living organism का आपस में relation जिस तरीके से, उसी तरीके से उनका environment के साथ भी, अपने आसपास के सराउंडिंग्स के साथ भी रिलेशन है. और यही इकोसिस्टम को बनाता है. देयर वुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट माउंटेन्स लेक रिवर ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड. इसी तरीके से एक लार्ज रेन फॉरेस्ट का ग्रासलैंड डेजर्ट माउंटेन्स लेक रिवर्स ओशियंस और एक स्मॉल पॉन्ड का भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम? क्या आपने सोचा है कि जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते हैं, क्या वो भी एक इकोसिस्टम बनाता है? डू यू नो ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड? क्या आप जानते हैं कि हर साल 5 जून को
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ग्लॉसरी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि सामानों को बिना पैसे के एक दूसरे से अदला बदला जाता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। मनुष्य अपने एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड और उसे अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है। अर्ली ह्यूमंस अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। पहले के लोग अपने आप को प्रकृति के अनुसार चेंज करते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ। वो सिंपल लाइफ में रहते थे। फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम और अपनी जरूरतों को प्रकृति से पूरा करते थे जो उनके आसपास पाया जाता था। विद टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकम मोर वेरीड। समय के साथ साथ लोगों का जीवन बदलता गया, कई प्रकार की उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। लोगों ने एनवायरनमेंट को चेंज करने का और उसको यूज़ करने का नए नए तरीके सीख लिए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। उसने फसलों को उगाना, जानवरों को पालना और एक अच्छी विकसित सेटल्ड लाइफ को जीना सीख लिया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। पहिए का आविष्कार हुआ। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। ज़्यादा मात्रा में फूड का प्रोडक्शन शुरू हुआ। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड और बार्टर सिस्टम प्रारंभ हुआ। मीन्स व्यापार चीज़ों की अदला बदली शुरू हुई। ट्रेड स्टार्टेड। व्यापार शुरू हुआ एंड कॉमर्स डेवलप्ड और इकोनॉमी डेवलप होना शुरू हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने बड़े स्केल पर ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। ट्रांसपोर्टेशन तेज़ी से स्टार्ट हुआ, मतलब वाहनों की यातायात के साधनों की ने गति पकड़ ली। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन ने कम्युनिकेशन को आसान बनाया और बहुत तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ ये पूरी दुनिया में फैल गया। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको गर्मियों में रसीला तरबूज और सर्दियों में भुनी हुई मूँगफली खाना क्यों पसंद है? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसी तरीके से मैं एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचर के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाना भी जरूरी है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव। मनुष्य ने रहना तो सीख लिया है एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे और उसका उपयोग भी अपने तरीके से करना सीख लिया है। नूरिया गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। नूरी एक जो गर्ल है मिजोरम की रहने वाली है, रवि की क्लास में पढ़ती है। वह अक्सर अपने क्लास में अपने आसपास की लस ग्रीन हरी भरी घास के बारे में बात करती है। सींग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। रवि को अपने प्लेग्राउंड के खो जाने के दुख में अपसेट देख के नूरी ने उसे अपने घर छुट्टियों में आने के लिए इन्वाइट किया। रवीश टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू ड्रा द लैंडस्केप हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस देयर विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। रवि के टीचर ने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि छुट्टियों में वे जिन जिन जगहों पर जाएंगे वहाँ के लैंडस्केप को, हाउसेस को और एक्टिविटीज को नोट करके एक लिस्ट बनाएंगे एंड नोट डाउन करेंगे। लेट्स डू टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अपने घर के आसपास के बड़े लोगों से बातचीत करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। द ट्रीज इन हिज हर नेबरहुड व्हेन ही सी वाज योर एज। एक ऐसा पेड़ जिसे उन्होंने अपनी उम्र में देखा हो। इनडोर गेम्स ही सी प्लेड। वो लोग
अपने टाइम पे कौन से इंडोर गेम्स खेलते थे, हिज हर फेवरेट फ्रूट एट योरज, उनके टाइम पे उनका पसंदीदा फल कौन सा था, हाउ डिड दे मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स, और किस तरीके से वो अपने आप को आरामदायक जीवन बिताते थे गर्मियों और सर्दियों के टाइम पे। डिस्प्ले योर आंसर्स ऑन द वॉल बुलेटिन इन बोर्ड, और इन सारी चीज़ों को नोट करके अपने बुलेटिन बोर्ड पे लगाएंगे। थैंक यू क्लास, योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।